ये सर रूपा जी, सोयाबीन की बात की जाए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी ने अपने बयान में कहा है कि इस बार सोयाबीन का जो आउटपुट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट एस्टिमेट है उसके मुकाबले कम ही रहेगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 13.83 मैट्रिक टन का और सी का एस्टिमेट है 10 मिलियन टन का। तो रूपा जी, अगर कम रहती है सोयाबीन की उपज तो क्या आगे दाम में और तेजी आने की संभावना बनी हुई है क्या अभी भी, क्योंकि देख रहे हैं सोइंग सीजन भी नजदीक ही है सोयाबीन का और ऊपर से सरकार ने सोया खल का आयात भी कर लिया है। देखिए, प्रोडक्शन कैसा रहता है, अभी सोइंग की बात हो रही है और अगर इस बार सोइंग कम होती है और उसके ऊपर आगे वेदर कैसा रहेगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वर्ल्ड प्रोडक्शन कैसा रहेगा ये सारी चीजें देखनी होंगी और उसके बाद ही प्राइसेज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछली बार प्रोडक्शन कम रहा और इस वजह से हमें बाजारों में तेजी देखने को मिली क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आया था। अब यहाँ पर भारत में जरूर एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात, मतलब जो है सोइंग वो थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, उससे हो सकता है कि जो प्राइसेस इस बार इतना बूस्टअप दिखाई दिया है उसमें थोड़ा सा इजोफ आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर अगेन प्रोडक्शन कम रहता है वर्ल्ड वाइड तो फिर से कीमतें जो है वो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये अभी फिलहाल प्रोडक्शन के आंकड़े आने के बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा और डिमांड कैसे पिकअप होती हुई नजर आएंगी। पिछले 2 साल से तो डिमांड भी कम होती हुई नजर आई है जिसकी वजह से कीमतें जो है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा उठ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, अभी जो प्रोडक्शन है वो काफी कम था जिसकी वजह से जैसे जैसे सब कुछ ठीक होता गया, इकोनॉमी में फिर से रफ्तार आई तो उसके चलते हमें फिर से कीमतों के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। अब हमें आगे चलकर डिमांड कंटिन्यूशन में रहने वाली है, प्रोडक्शन कैसा रहेगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड जो है एडिबल ऑयल का बहुत ज्यादा कोई गिरावट वाला दिखाई नहीं देता है। जी,